हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट टू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो आप लोग को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। शुगा एक नज़र तेई एंड जिमिन की ओर देखता है और उसकी नज़र जिमिन पर टिक जाता है। वो इतनी प्यारी, क्यूट और इनोसेंट लग रही थी कि शुगा उसे देखता ही रहता है। फिर जोंगकुक की बातों से वो डिस्ट्रैक्ट होकर खुद में ही बातें करके दोनों भाई अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में वो लोग एक साथ बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था एंड वो फिर सोने चला जाता है। जब शुगा सो रहा होता है तब उसको एक ड्रीम आता है और वो ड्रीम में देखता है कि जिमिन उसको बुला रही है एंड बहुत ही लाउडली हंस रही होती है। जिमिन को लाउडली हंसता देख शुगा डरते हुए अचानक से उठ जाता है। उठ के देखता है कि ये बस एक ड्रीम है। वो कहता है, थैंक गॉड, उफ, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? लगता है कल रात मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। कितने बज रहे हैं अभी? अरे यार, अभी तो 5 ही बज रहे हैं। उफ शुगा, तो क्या सोच रहा है? हाँ, तो पागल हो गया है क्या? लेकिन वो लड़की है तो बहुत क्यूट। लीव, चलो सोते हैं, अभी सुबह ऑफिस भी तो जाना है। एंड उसके बाद हमारा स्लीपिंग शुगा फिर से सो जाता है। अदर साइड जोंगकुक अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर जोंगकुक अपने वर्कआउट को ख़त्म कर फ्रेश होके ऑफिस वर्क के डिटेल्स निकालता है और बहुत सारी फाइल्स को चेक करने में बिजी हो जाता है। जोंगकुक एक गैंगस्टर है, वो बहुत सारे डील्स एंड बहुत सारे लोगों से मिलता ही रहता है, पर उनका ये बिजनेस उनके बाहर वाले बिजनेस से हाइड है, लेकिन वो माफिया है ये बात बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादातर लोगों को पता ही है। एंड सबसे ज़्यादा रूट हार्टलेस माफिया में से शुगा और जोंगकुक को ही माना जाता है। एंड जोंगकुक कोरिया के सबसे टॉप रिचेस्ट मैन में से एक है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है एंड बहुत सारी मॉल्स, कंपनीज एंड बहुत सारी रेस्टोरेंट्स, बार्स वो लोग ने अपने नाम पर खरीद के रखा हुआ है। जिन उन दोनों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है। वो देखती है कि शुगा ऑलरेडी फ्रेश होके रेडी हो चुका है, बट जोंगकुक अभी भी अपने काम में बिजी है, तो जिन उसका हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट करने के लिए उसे नीचे लेके आती है। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। आरएम उन दोनों को ऑफिस में सभी से मिलाता है एंड उन दोनों को नया सीईओ अनाउंस करता है। फिर वो दोनों अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। अदर साइड तेई एंड जिमिन कॉलेज आते हैं। कॉलेज में आते ही कॉलेज में दोनों बातें कर आ रहे होते हैं, तभी काई और उसके गैंग तेई और जिमिन को रोक लेते हैं। बेबी गर्ल, तुम कैसी हो? मुझे मिस किया ना कल? तेई कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने क्लास में जाना है, मुझे लेट हो रहा है। फिर काई कहता है, ते बेबी गर्ल, क्यों ऐसा करती हो मेरे साथ? तो दोस्तों ये है काई। ये तेई और जिमिन के कॉलेज का सबसे बिगड़ेल बदमाश ग्रुप है। ये काई का ग्रुप है। काई अपने कोरिया के एक रईस जादे का बेटा है एंड उसका बाप बहुत ज़्यादा पैसा जो उसके कॉलेज को डोनेट करता है, इसीलिए उस वो कॉलेज में अभी तक टिका हुआ है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, वो हर किसी से बदतमीजी करता है। तेई खूबसूरत है इसीलिए वो तेई के पीछे पड़ा हुआ है एंड कोई भी इसे भाव नहीं देता है। ये बस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है एंड उसके साथ बस टाइम पास करता है। वो किसी से प्यार नहीं करता सिवाय खुद के एंड खुद के पैसों से। तो वो तेई को परेशान कर रहा होता है। तब एक टीचर काई के सामने आके कहता है, तुम लोगों को तंग करना कब छोड़ोगे काई, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी जिमिन कहती है, सर हम लोग क्लास में जा रहे होते हैं। तभी काई कहता है, सर मैं इन्हें परेशान नहीं कर। जिमिन कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो, हमें क्लास में जाने दो, तुम ही हमको तंग कर रहे हो। तो काई कहता है, तुम्हारी आदत सुधरेगी नहीं ना हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की, यू शॉर्टी। तो जिमिन कहती है, हे माइंड योर लैंग्वेज अदरवाइज। तभी वी कहती है, प्लीज जिमिन चलो यहाँ से, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए सुबह सुबह। तो जिमिन कहती है, हाँ चलो। उसके बाद काई कहता है, बेबी गर्ल
तुम आज तो मुझसे बच रही हो, हमेशा मुझसे बच जाती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। तभी जिमी कहती है, तुमने काफी बड़े बड़े देखते हो, पर जमीन पे आके रहना ठीक है। एंड उसके बाद जिमी काय गुस्से में देखते हुए तेई का हाथ पकड़ कर उसे वहां से लेके चली जाती है। तेई कहती है, उफ यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े। तो जिमीन एक नॉटी स्माइल करते हुए तेई को टेस करते हुए कहती है, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो सेक्सी। एंड फिर तेई कहती है, प्लीज जिमीन कैसे रिएक्ट कर रही हो तुम। जिमीन कहती है, अगर मैं लड़का होता ना तो पक्का तुमसे शादी करता, पक्का तुमसे ही शादी करता। तो तेई कहती है, अनफॉर्चुनेटली तुम गर्ल हो, तो चलो मेरे साथ अभी क्लास में और बकवास बातें बंद करो, समझी। एंड उसके बाद तेई एंड जिमीन अपने क्लास में जाकर वेकेशन के असाइनमेंट के लिए सर ने तेई एंड जिमीन को ही पार्टनर बनाया होता है। तेई एंड जिमीन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपने घर पे जाके अब अपना असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कल से वेकेशन शुरू होने वाला है। इसीलिए वो लोग अपने असाइनमेंट के बारे में और डिटेल्स निकालते हैं। अदर साइड ऑफिस में जेके सुगा ऑफिस के लोगों से मीट कर अपने ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। सुगा अपने मॉर्निंग ड्रीम के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके कैबिन में जेके आता है और कहता है, सुगा तुम मेरे साथ अभी एक मीटिंग पे चलोगे और ये रही फाइल्स चेक कर लो। पर सुगा कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है जेके की बात पर। तो जेके ये चीज़ नोटिस करते हुए कहता है, सुगा तो कहीं और दुनिया में ही बिजी था। तो जेके कहता है, सुगा सुगा आर यू लिसनिंग सुगा। सुगा का कोई भी रिस्पॉन्स ना पाके जेके एक नॉट स्माइल देके सुगा के ईयर के पास आके जोर से कहता है, सुगा। सुगा लाउड वॉइस से चौंक जाता है और एंग्रीली जेके की ओर देखते हुए कहता है, या। जेके हंसने लगता है तो सुगा कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। हाँ, जेके कहता है, सुगा प्रॉब्लम मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुमसे मैं कब से बातें कर रहा हूँ बट तुम न जाने कहाँ खोए हुए हो, किसके ख्यालों में खोए हुए थे और कहाँ। हाँ, तो सुगा कहता है, आई डोंट नो यार जेके, मुझे एक ड्रीम आया था कल, मैं रास्ते में मैंने एक लड़की को देखा था, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसके इनोसेंट फेस बेबी स्माइल में, और मैं अपने ड्रीम में बस उसी को ही देख रहा हूँ, वो बार बार मेरे माइंड में आ रही है, मैं उसके भूलने को कोशिश भी करूँ तब भी वो बार बार मेरे माइंड में आ जाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जेके कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत बुरी और बहुत बड़ी बीमारी पकड़ ली है। तो सुगा कहता है, व्हाट, क्या बीमारी, कैसी। तो जेके हंसते हुए कहता है, प्यार हुआ मेरे भाई को, प्यार हुआ, पूरी होगी मम्मी पापा की दुआ, प्यार हुआ। तो सुगा गुस्से में कहता है, ओ शट अप जेके, इट्स नॉट लाइक दैट, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी कल, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओह गॉड, तुम क्यों आए थे मेरे कैबिन में, वो बताओ। जोंगकुक अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ अभी एक मीटिंग को अटेंड करना है और ये रही फाइल्स, इसे पढ़ लेना। हाँ, अपने वो ड्रीम गर्ल के ख्यालों से बाहर आकर। एंड फिर जोंगकुक हंसने लगता है तो सुगा कहता है, गो प्लीज गो। अदर साइड तेई जिमिन अपने क्लास को ख़त्म करके अपने लास्ट डे कॉलेज का एंजॉय करते हुए घर को वापस जा रहे होते हैं, तभी उसे किसी का पीछे से आवाज़ आता है और वो कहता है, तेई प्लीज स्टॉप। तो तेई रुकती है एंड पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पास एक लड़का भागते हुए आता है। तेई कहती है, युनजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यह है युनजन, तेई और जिमिन का दोस्त, अच्छा दोस्त। उसके डैड या के बहुत बड़े लॉयर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, उसी तरह युनजुन भी उनके जैसा ही बहुत ही अच्छा है। वो तेई और जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करता है। तेई कहती है, युनजुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भी घर जाना चाहिए था। तो युनजुन कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग वेकेशन के लिए अपने घर जा रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, और मैंने तुम्हें कॉलेज में बहुत ढूंढा, मैंने सुना है कि काई ने तुम्हें बहुत परेशान किया आज। तो तेई कहती है, ओ प्लीज रहने दो उसकी बातें, वो उसका तो हमेशा का ही है मुझे तंग करना। तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो युनजुन कहता है, तुम लोग कल वेकेशन के लिए घर चले जाओगे, पूरा 1 मंथ बाद आओगे, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग के साथ आज मैं डिनर करूँ,
और ये ट्रीट मेरे तरफ से है, तो तेई पहले मना कर देती है। तो इंजन कहता है, जिमिन प्लीज तेई को मनाओ ना, मुझे पता है वो तुम्हारी बातें नहीं काटेगी, प्लीज ना, हम अच्छे दोस्त हैं तो हम लोग खाना खा सकते हैं ना साथ में। तो तेई कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जिमिन कहती है, प्लीज मान जाओ ना इंजन, वैसे भी हम लोग अब पता नहीं कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और तुम क्यों इतने नखरे करती हो, हाँ मान जाओ ना प्लीज, मुझे भी बाहर खाने का बहुत मन है। तो तेई कहती है, उफ मैं दो बच्चों के बीच में फंस गई। तो यूनजुन और जिमिन कहते हैं, बच्चे किसके, हाँ। तो तेई कहती है, ओके ओके चलो हम लोग डिनर करते हैं, चलो। हर साइड मीटिंग खत्म करके जोंगकुक एंड शुगा भी डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी, आप लोग ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार किया, थैंक यू सो मच फॉर 1000 फैमिली। एंड अभी आप लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करना, वीडियो कैसी हो रही है कमेंट करना मत भूलना, आप लोग का कमेंट मुझे बहुत पसंद है। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, और फिर से सरंगे।